डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर त्रिपाठी और हम इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ की मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर का ये क्वेश्चन नंबर 27 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 6.5 जो कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, पर पहले आप इसका सिस्टमेटिक अप्रोच ज़रूर से देखें। अगर आपने चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y एक कर्व है, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y एक कर्व है, उसके पास ध्यान से देखिए उस पर एक पॉइंट निकालना है हमें, तो उस पॉइंट को हम अभी एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं टेम्परेरीली, कि एक्स कॉमा वाई पॉइंट है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y में। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y का आपको फॉर्मल कर्व बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा पॉइंट है, अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y पे वो पॉइंट निकालना है जो कि इस पॉइंट से नियरेस्ट है, तो इस पॉइंट से नियरेस्ट है, ये पॉइंट थोड़ा अलग होगा, दूसरी जगह होगा। मान लीजिए इस पॉइंट को A है, इसको हम मान लेते हैं P, तो A और P के बीच की डिस्टेंस आप देखें x माइनस, शॉर्ट ट्रिक जरूर बताऊंगा मैं, आप आखिरी तक देखते रहेंगे आप समझ जाएंगे, आपको दोनों प्रोसीजर आने चाहिए। तो ए पी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी इज इक्वल टू दिस, अब ए पी का स्क्वायर कर दें, ए पी का स्क्वायर कर दें, और ए पी का मिनिमम होना, मतलब ए और पी की बीच की डिस्टेंस का मिनिमम होना या जेड का मिनिमम होना, ए पी स्क्वायर का मिनिमम होना, एक ही चीज़ है, क्योंकि ए पी इज़ क्या है, सिंस ए पी इज़ वॉट, ए पी इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो जब ये ग्रेटर देन जीरो है तो ए पी और ए पी स्क्वायर साइमल्टेनियसली मैक्सिमम होंगे और साइमल्टेनियसली मिनिमम होंगे, दोनों मिक्स मैक्सिमम भी एक साथ होंगे और मिनिमम भी एक साथ होंगे। तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ले लिया, तो ए पी स्क्वायर क्या होगा, तो ये ध्यान से देखें, ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है आपके पास, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपके पास है 2y, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख दें, इसको ओपन कर लें, तब तक वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, ये वैल्यू कहाँ से लिखी है हमने, ये वैल्यू लिखी है फ्रॉम 1। अब हमारा प्रोसीजर चालू हो जाएगा, क्या प्रोसीजर चालू हो जाएगा मैक्सिमम मिनिमा का, कि इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल है y, तो dz बाय dy, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता आपका, तो dz बाय dy इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, और जैसा हमारा प्रोसीजर है जीरो से इक्वेट करते हैं, तो टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दिस z वी शैल डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, 2y का डिफ्रेंशिएशन है 2 प्लस वाई स्क्वायर का है 2y, 25 का 0 माइनस 10y का है माइनस 10, अभी आपके पास हो जाएगा y माइनस 2y माइनस 8। अप टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए जिस पे मैक्सिमम या मिनिमम होता है फंक्शन, वो तो मैक्सिमम या मिनिमम, तो मैक्सिमम मिनिमम आपका ए पी मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए dz बाई डी वाई इट शुड बी इक्वेटेड विद 0, जब आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। अब y की वैल्यू 4 आ गई है तो आपके पास, अब आपको दिख भी रहा होगा कि y की वैल्यू 4 एक में ही है, इसी केस में है, तो इसको आप टिक कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन और अगर आपको रिस्क को कम करना हो, तो रिस्क को कम करना हो, या कभी आपके पास नन ऑफ दिस जैसा ऑप्शन हो, तो अब आप इसको वेरीफाई भी करें, तो वेरीफाई करेंगे तो क्या करेंगे आप, डी टू जेड बाई डी वाई स्क्वायर निकालेंगे, डी टू जेड बाई डी वाई स्क्वायर क्या होगा, तो डी टू जेड बाई डी वाई स्क्वायर इसका सेकेंड डेरीवेटिव, तो 2y का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 और माइनस 8 का हो जाएगा 0, और ये क्या है, दिस इज ग्रेटर देन 0 एट y इज इक्वल टू व्हाट, एट y इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब है कि z इज मिनिमम एट y इज इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1 इज़ व्हाट, 1 इज़ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, y की वैल्यू रख देंगे आप, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 8, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास प्लस माइनस रूट 8, प्लस माइनस रूट 8, तो ये वैल्यू होगी प्लस माइनस 2 रूट 2,
पर इसमें जो बेस्ट और जो मोस्ट सूटेबल आंसर होगा तो वो आंसर होगा आपका 2√2,4 सूटेबल आंसर, मोस्ट सूटेबल आंसर, क्योंकि आपके पास दो पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स मिनिमम डिस्टेंस देने वाले हैं, प्लस माइनस 2√2,4 प्लस वाला भी देगा माइनस वाला भी देगा, दोनों आंसर्स देंगे। तो कभी आपके पास ऐसे दो आंसर होते जिसमें ये दोनों भी होते तो आप उनको प्रायोरिटी देते, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी तो मोस्ट सूटेबल आंसर आपका कौन सा है ये है। और अगर आपसे पूछे कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए ये वाली जो वैल्यू है आपके पास एक्स और वाई की, ये वैल्यूज़ यहाँ पर डाल के देखेंगे आप, तो आपके पास मिनिमम डिस्टेंस भी आ जाएगी। कभी आपसे मिनिमम डिस्टेंस पूछते तो ऐसा एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है जो आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, तो शॉर्ट ट्रिक इसके लिए जिससे आप बहुत जल्दी इसका आंसर निकाल सकें, तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहली बात है कि वो पॉइंट जो है एक्स कॉमा वाई दैट शुड लाई ऑन दिस कर्व, वो पॉइंट इस कर्व पे लाई करना चाहिए। तो पॉइंट इस कर्व पे लाई करता है तो ये पॉइंट इस पे लाई करता है क्या? यस, दिस इज लाइंग, अभी अपन ने देखा इसको, पर ये वाला पॉइंट इस पे लाई नहीं करता, 2√2,0 इस पे लाई नहीं करता, क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं करता। 2,2 लाई करता है क्या? यस, 2,2 भी लाई करता है, 2² = 2 × 2, वो भी लाई करता है, 0,0 भी लाई करता है। तो अब क्या करेंगे हम दोस्तों, अगर हमें शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना है तो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना है तो पहले इसको भूल जाते हैं। अब हम ध्यान से देखें, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने के लिए ये देखते हैं कि वो पॉइंट इस पे लाई कर रहा है कि नहीं कर पे, तो कर पे ये तीन पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। अब तीनों पॉइंट्स के 0,5 से डिस्टेंस निकालेंगे, इसकी भी 0,5 से, उसकी भी 0,5 से और उसकी भी 0,5 से। तो 0,5 की इससे डिस्टेंस होगी, इस पॉइंट से डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके 0 − 2√2² + 5 − 4² और आप ये वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 8 और ये आएगा 1 और 8 + 1 = 9 का √3। इसी तरह से 0,5 की डिस्टेंस जब आप इससे निकालेंगे तो ये आएगा आपके पास 0 − 0² + 5 − 0² का √ और इसकी वैल्यू आएगी √25 विच इज़ 5। अगर आप 0,5 की जब इससे डिस्टेंस निकालेंगे तो 0 − 2² + 5 − 2² और आप इसको कैलकुलेट करें, ये आएगा 4, ये 3² = 9 √13। तो देखिएगा कि सबसे कम डिस्टेंस आई है इससे, किस पॉइंट से? इस पॉइंट से। तो अदरवाइज ये इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच है दोस्तों, इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह से इसको देख रहे हैं। तो हमने दोनों मेथड से आपको इसको समझाने की कोशिश की है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, दोस्तों तक बात पहुँचा दें। विश यू ऑल द बेस्ट।